एसीडीसी बल्ब कैसे ले सिंचाई, आप देख सकते हो ये अभी इंजन पे लाइट है और ये बल्ब देखो इसका क्या हाल हो गया। आपको लग रहा होगा बल्ब खराब हो गया, लेकिन बल्ब बिल्कुल खराब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राइट है। अभी ये मैंने इसका कनेक्शन जो है अभी बैटरी पे किया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो वो एलईडी हेडलाइट के बल्ब के ऊपर रहने वाली है। एक छोटी सी वार्निंग है, अगर आपकी बाइक का ज्यादा रन हाईवे में रहता है और नॉर्मल वाला रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तब आप ऐसा बल्ब बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ तक कि जिन बाइक में स्टॉक में भी एलईडी लगा आता है अगर वो भी हाई बीम करके चलते हैं तो वो भी जो है दिक्कत देते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको जो है दो तरह के एलईडी बताऊंगा, ऐसे एलईडी जो कि डीसी करंट पे ही चलते हैं और एक ऐसे एलईडी जो एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। एक और छोटा सा जो मिथ है वो मैं क्लियर कर दूं कि हमारी बाइक का जितना भी बल्ब वगैरह चलता है वो डीसी कनेक्शन पे ही चलता है, चाहे वो इंजन पे ही हो तब भी वो डीसी पे ही चलता है। हम एसी बोल देते हैं लेकिन उसका मेन मतलब रहता है फ्लक्चुएशन का। तो गाइस बेसिकली मैं आपको फ्लक्चुएशन का कंसेप्ट इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले मैं ये आपको बल्ब दिखा देता हूँ, ये एसी डीसी बल्ब है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये टिक हो रखा है और इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है इंस्टॉलेशन का मैनुअल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक छोटे से पैकेट में आपको इसके प्लग एंड अडेप्टर्स मिलेंगे। जैसे H4 सॉकेट है आपकी तो उसका एक अडेप्टर रहेगा और बाकी सारे अडेप्टर भी रहेंगे। देन उसके बाद ये कुछ इस टाइप का बल्ब आता है, ये आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा। तो ये यहाँ पर जो है एसी डीसी बल्ब है और इसको हम जो अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस अभी घर पे जाके पहले इसको जो है इंस्टॉल करते हैं बाइक में, देन उसके बाद इसको जो है ट्राई करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसकी हेडलाइट को खोलते हैं। तो कि जैसे कि मेरी बाइक में H4 वाला बल्ब डलता है और उसको जो है ऐसे तीन पत्ती वाला जो अडेप्टर है ये लगता है, तो इसको पहले मैं चेंज कर लूँगा। यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है और इसको इस कट में आपको इस टाइप से डाल के उसके बाद इसका जो स्क्रू है इसको टाइट कर देना है। उसके बाद आपको जो है हेडलाइट का H4 वाली सॉकेट को ऐसे निकाल लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक लॉक रहता है, इसको ऐसे प्रेस करके आपको ये पुराने वाला बल्ब को निकाल लेना है और नए वाले को ऐसे इंसर्ट करके देन उसके बाद आपको ये जो लॉक है इसको वापस से ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको इसका जो मेल पोर्ट है उसको फीमेल पोर्ट में इस टाइप से लगा देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसके जो कनेक्शन है वो अभी इंजन पे ही रखे हैं और देखते हैं ये बल्ब अभी काम करता है इंजन पे या नहीं। तो आप देख सकते हो अभी ये बाइक का इंजन अभी स्टार्ट है और हमारी जो लाइट है वो अभी चल रही है, और जैसे मैं इसको थ्रोटल दूंगा तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी। तो अभी इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पे जैसे मैं इसकी जो है अभी थ्रोटल को देता हूँ उससे हिसाब से इसकी लाइट बढ़ रही है। तो अभी ये काम कर रही है। तो क्या इसको अभी मैं पैक कर देता हूँ, अभी इसका नाइट होने देते हैं, उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स है वो मैं आपको चेकआउट करवाऊँगा। तो चलिए अभी रात का वेट करते हैं। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये अभी इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है। एक्चुअली मेरे को लो बीम थोड़ा सा इसका कम लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा बाइक को जो है राइड करके देखते हैं, देन उसके बाद पता चलेगा कि क्या दिक्कत है लो बीम में। तो गाइस इसका लो बीम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है अभी ये, और मे भी हो सकता है कि अभी इंजन पे कनेक्शन है तो उसकी वजह से ये कम हो सकता है। और इसका हाई बीम अभी ठीक ठाक चल रहा है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक चल रहा है अभी। तो अभी जो है सीधा मैं घर पे जाके आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ एसी डीसी बल्ब की असली सिंचाई। आप देख सकते हो ये अभी इंजन पे लाइट है और ये बल्ब देखो इसका क्या हाल हो गया। तो क्या यहाँ पर मैं जितनी इसकी थ्रोटल दे रहा हूँ उस हिसाब से इसकी लाइट जो है कम हो रही है, ज़्यादा की बढ़नी चाहिए इसकी लाइट यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर हाई बीम देखता तो हाई बीम इसका जो है वो ठीक है। आपको लग रहा होगा बल्ब खराब हो गया, लेकिन बल्ब बिल्कुल खराब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राइट है। अभी ये मैंने इसका कनेक्शन जो है अभी बैटरी पे किया है। तो क्या यहाँ पर एक बात समझ में आती है, अगर आप एलईडी अपग्रेड कर रहे हो तो उसका आपको कनेक्शन जो है वो बैटरी पे ही करना पड़ेगा। ये एक्चुअली एसी पे भी काम करता है, डीसी पे भी काम करता है, नो मैटर, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम थ्रोटल देते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है और एलईडी फ्लक्चुएशन नहीं झेलता, ये आपको जो है वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी आप एलईडी अपग्रेड करो तो उसका कनेक्शन जो है वो इंजन पे मत रहने दो, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन होती है और फ्लक्चुएशन जो है वो एलईडी झेल नहीं पाता। सो गाइस क्वालिटी वाइज मेरे को बल्ब ठीक लग रहा है, जो कि इतनी फ्लक्चुएशन के बाद भी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको एसी डीसी क्यों बोला गया है। एसी डीसी दोनों पे काम करेगा, लेकिन मतलब क्या रहता है अगर ये इंजन पे काम नहीं कर सकता तो, क्योंकि अगर किसी को इसको लगाना होगा तो उसको बैटरी से कनेक्शन करना पड़ेगा, तो एसी डीसी का कोई मतलब ही नहीं रहता फिर। तो क्या यही बात मेरे को अभी क्लियर करनी थी। अगर आप भी ऐसा बल्ब जो है एसी डीसी देख के परचेज करते हो कि ये इंजन पे भी चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कनेक्शन आपको बैटरी से ही करना पड़ेगा।
ऑल दो गाइज अभी तक इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है क्योंकि फ्लक्चुएशन के बाद भी अच्छे से काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो वो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बता नहीं पाऊंगा। अगर आपने इसको यूज़ कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना अपना एक्सपीरियंस और मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर आपको ये परचेज करना रहेगा तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्राइस भी इसका जो है वो ठीक ठाक है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।